वाले हैं लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड मेरिडियन। लॉन्गिट्यूड इज द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब लॉन्गिट्यूड क्या है? लॉन्गिट्यूड अर्थ के सरफेस पे किसी पॉइंट की क्या होती है? कोणीय दूरी को अपन जो है लॉन्गिट्यूड कह सकते हैं। जब कहते हैं मीजर्ड इन डिग्रीज ईस्ट और वेस्ट फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन, और इसको जो मीजर करते हैं, नापतोल करते हैं इसकी, वो कैसे करते हैं? डिग्रीज में करते हैं। डिग्री के साथ में ईस्ट या वेस्ट को दर्शाना पड़ता है, और जो इसकी दूरी तय करते हैं अपन मीजर करते हैं वो जो प्राइम मेरिडियन लाइन होती है उसके आधार पे करते हैं। द एंगल ऑफ मीजरमेंट इज फॉर्मड एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। और जो ये एंगल होता है मीजरमेंट का, ये कहाँ पे फॉर्म होता है? ये अर्थ के सेंटर में फॉर्म होता है। द प्राइम मेरिडियन इज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पासिंग थ्रू ग्रीनविच इन इंग्लैंड वेयर द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड। अब जो प्राइम मेरिडियन लाइन है उसका जो गुजरने का जो एरिया है, जगह है, वो कहाँ से गुजरती है? वो गुजरती है इंग्लैंड के ग्रीनविच जगह से। और इस जगह पे क्या चीज़ स्थापित है? ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी स्थापित है। और इसका अगर अपन एंगुलर मेजरमेंट देखें तो कितना है? 0 डिग्री। तो यह ये याद रखने की चीज़ है, प्राइम मेरिडियन मतलब कि 0 डिग्री इंग्लैंड के ग्रीनविच से निकलेगी, और यहाँ पे क्या है? ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी जो है सिचुएटेड है। इट डिवाइड्स द अर्थ इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अब जो प्राइम मेरिडियन लाइन है क्या करती है? ये पूरी अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड कर देती है, ईस्टर्न मेरिडियन, ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर। जैसे अपन देखा इक्वेटर ने क्या किया, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, उसी तरीके से जो प्राइम मेरिडियन है वो इसको ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है। द लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड गिव अस द वर्टिकल कोऑर्डिनेट और द ईस्ट वेस्ट लोकेशन ऑफ अ प्लेस। तो जो ये लॉन्गिट्यूड की लाइन होती है क्या करती है? ये हमें वर्टिकल कोऑर्डिनेट देती है। कोऑर्डिनेट जानते हैं अपन लोग, ये क्या है? ये मैथ की एक टर्म है, अपन मैथ में इसके बारे में बहुत अच्छे से सीख लेंगे बाद में, लेकिन अभी याद रखो कि हमको क्या है, ये एक वैल्यू देती है वर्टिकल लाइन के रूप में, जो कि क्या करती है? ईस्ट और वेस्ट की लोकेशन को जो है शो करती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिडियन क्या है, अब वो पढ़ते हैं। लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड रन फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल इन अ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। जो लाइंस है लॉन्गिट्यूड की क्या करती है, वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक के लिए क्या करती है? विस्तार करती है। यानी कि जो लॉन्गिट्यूड है वो नॉर्थ से साउथ की ओर फैला हुआ है, फैली हुई एक लाइन है जिसको अपन से अज्यूम करते हैं, होती नहीं अर्थ पे। However, they determine the east-west coordinate of a place. और इस तरीके से जो longitude है वो क्या करता है? वो east और west के coordinate जो हैं किसी एक जगह के, किसी एक special place के जो east और west के coordinates हैं उनको क्या करता है? बताता है। The distance between the consecutive meridians decreases poleward from the equator. अब यहाँ पर अगली बात ये कही जा रही है कि जो दो लगातार meridians होती हैं उनके बीच में जो दूरी होती है वो क्या करती है? वो घटती हुई जाती है। कब? जैसे जैसे अपन पोल्स की साइड जाते हैं। इट डिक्रीजेस फ्रॉम अ मैक्सिमम ऑफ अबाउट 111 किलोमीटर और 111 किलोमीटर एट द इक्वेटर टू 0 एट द पोल वेयर दे ऑल मीट। यानी कि ये क्या करता है कि मैक्सिमम तो होती है 111 किलोमीटर, लेकिन जैसे जैसे अपन इक्वेटर से और पोल्स की साइड जाएंगे तो ये क्या होगा, ये फाइनली एक पॉइंट पर आके सब मिल जाएंगी और 0 डिग्री हो जाएगा, यानी कि 111 से और 0 डिग्री हो गया। और ये 0 डिग्री क्या होता है? समुद्र रेखा मिल जाती है। द मेरिडियंस आर नंबर्ड बिगिनिंग फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन। अब जो मेरिडियंस हैं ये क्या होती हैं, ये कहाँ से स्टार्ट होती है? प्राइम मेरिडियन से स्टार्ट होती है। द लाइंस टू द ईस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड 0 to 179 ईस्ट, वाइल दोनों ऑन द वेस्ट आर 0 to 179 वेस्ट। अब क्या है कि अपन को पता है बीचों बीच प्राइम मेरिडियन लाइन है, उस प्राइम मेरिडियन लाइन ने क्या किया, ग्लोब के दो हिस्से कर दिए, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो जो ईस्टर्न हेमिस्फीयर है उसमें क्या होगा, यहाँ पे लॉन्गिट्यूड होंगे 0 डिग्री से 179 डिग्री ईस्ट, और जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पे जो इसके एंगल होंगे वो कितने होंगे, 0 से 179 डिग्री
अपने डिग्री के साथ में ईस्ट लगा दिया, वेस्टर्न हिस्से में है तो अपन ने डिग्री के साथ में वेस्ट लगा दिया। द 180 लॉन्गिट्यूड इज नीदर ईस्ट नॉर वेस्ट, और जो 180 लॉन्गिट्यूड है अपना वो ना तो अपन ईस्ट में काउंट करते हैं ना अपन वेस्ट में काउंट करते हैं। देर आर 360 डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड। अब यहाँ पे जो टोटल लॉन्गिट्यूड्स हैं उसका कितना है, उन सबका टोटल कितना होता है 360 डिग्री, यानी कि 360 डिग्री तक हमारे पास क्या है, हमारे पास टोटल जो है मेरिडियंस हैं। द मेरिडियन फॉर्म ग्रेट सर्कल अराउंड द अर्थ, फॉर्म ग्रेट सर्कल अराउंड द अर्थ। अब जो मेरिडियंस होती है क्या करती है, ये अर्थ के चारों तरफ क्या करती है, एक सर्कल बनाती है, ग्रेट सर्कल, बड़ा सर्कल। पहली बात तो अर्थ जो होती है वो गोलाईय होती है। अब यहाँ से अगर ये जा रहा है इक्वेटर तो ये सिर्फ लाइन ही है, ये पूरे पे घूम के आ रहा है। अगर हम बात करें मेरिडियन लाइन की तो वो सिर्फ लाइन नहीं है सीधी, वो पूरे पे घूम के आ रही है अर्थ की तरफ। तो वही बात कही है यहाँ पे, जो मेरिडियंस हैं ये क्या करती हैं, ये एक बड़ा सा सर्कल बनाती हैं अर्थ के चारों ओर। फॉर एग्जाम्पल द 0° एंड 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड टुगेदर फॉर्म अ ग्रेट सर्कल। यहाँ पे एग्जाम्पल भी बताया अपन को कि किस तरीके से 0° और 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो है आपस में मिलकर के एक बहुत बड़ा सर्कल तैयार करती है। एंड डिवाइड द ग्लोब इनटू टू हाफ, और जब ये सर्कल बनाती है तो ये क्या करती है, ये पूरे से पूरे ग्लोब को दो बड़े बड़े आधे हिस्सों में डिवाइड कर देती है। रूट दैट फॉलो ग्रेट सर्कल मार्क द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू प्लेसेस। अब जो ये रूट बना हुआ है बड़े सर्कल्स के थ्रू ग्रेट सर्कल से, ये क्या करते हैं, इस पे छोटे छोटे डिस्टेंस की जो दूरी होती है दो प्लेसेस के बीच में वो यहाँ पे क्या होती है, उजागर होती है। हैंस मोस्ट लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाइट फॉलो दीज रूट। तो इस तरीके से जब कोई फ्लाइट जा रही होती है और डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है इसमें, तो वो इसी ग्रेट सर्कल जो है इसको यूज करते हैं, इसको फॉलो करते हैं, इसके रूट को फॉलो करते हैं, ताकि वो बड़ा रूट ना लेकर के छोटे रूट के थ्रू पहुँच जाए। द ग्रेट सर्कल मार्क बाय 0° लॉन्गिट्यूड एंड 180° लॉन्गिट्यूड डिवाइड द ग्लोब इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ये मैंने खुद पहले पढ़ाया था अभी कि जो ग्रेट सर्कल बना हुआ है इससे 0° लॉन्गिट्यूड से 180° लॉन्गिट्यूड से ये क्या करता है, ये पूरे पूरे ग्लोब को दो हिस्सों में बांट देता है। पहला हिस्सा जो होगा वो होगा ईस्टर्न और दूसरा होगा वेस्टर्न। एम फिक्स नहीं है, पहला अपन ईस्टर्न गए, अपन का देखने में नजरिया आया। कुल मिला के बात ये हो रही है यहाँ पे कि जो 0° और 180° लॉन्गिट्यूड से इसने दो भागों में बांट दिया, इसमें एक ईस्टर्न होगा दूसरा वेस्टर्न होगा अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन। लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड आर कॉल्ड मेरिडियंस। अब ये लॉन्गिट्यूड की लाइन है इनको अपन मेरिडियन के नाम से भी जानते हैं या अपन कहते हैं। मीनिंग मिड डे, इसका मतलब क्या होता है, मध्य दिन। द मिड डे इज हाफ पॉइंट ऑफ द सन जर्नी बिटवीन सनराइज एंड सनसेट। और जो मिड डे होता है क्या होता है, मिड डे जो है वो दिन का बिल्कुल बीचों बीच का हिस्सा होता है, जहाँ पे सन ने जो है सनराइज और सनसेट के बीचों बीच जो एकदम दोनों चीज़ों को सनराइज को सनसेट को बराबर आ देता हो, उस समय को अपन बोलते हैं क्या, मिड डे। द तो हो गया अपना लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड आर, हाँ ठीक है, तो अपना समझ में आना चाहिए, वापस से रिपीट करता हूँ इसको। लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड आर कॉल्ड मेरिडियन। जो लॉन्गिट्यूड वाली लाइन्स हैं तो अपन मेरिडियन के नाम जानते हैं, और इसका मतलब क्या होता है, मिड डे। द मिड डे इज हाफ वे पॉइंट ऑफ द सन जर्नी। जो मिड डे है वो क्या है, वो सूर्य द्वारा तय की गई दिन की आधी जर्नी होती है, जो कि किसके बीच में होती है, सनराइज और सनसेट के बीचों बीच होती है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, कल चैप्टर खत्म कर लेंगे। थैंक यू।